नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की 12वीं यूनिट, जिसका नाम है सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एक PRA को सेफ्टी और फर्स्ट एड करना आना बहुत जरूरी होता है। यदि उसे सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में नहीं मालूम होगा तो वो मरीजों को या उसके रिश्तेदारों को सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमें उसको बताना पड़ता है पेशेंट को कि और PRA को कि किस तरीके से हम सुरक्षा और फर्स्ट एड कर या प्राथमिक चिकित्सा कर हम हमारे पेशेंट को या मरीज को या व्यक्ति को किस तरीके से गंभीर हालत में या क्रिटिकल कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। एक PRA को ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखते हैं हमारी कार्य सूची। क्रमांक एक, प्राथमिक चिकित्सा स्लाइड नंबर 5 पर देखेंगे। दूसरा, प्राथमिक चिकित्सा में आपातकालीन स्थिति, जो हम स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। तीसरा, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर देखेंगे। चौथा, प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार, जो हम स्लाइड नंबर 5 पर देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, जो हम स्लाइड नंबर 12 पर देखेंगे। छठा, प्राथमिक चिकित्सा की पेटी, जो हम स्लाइड नंबर 13 पर देखेंगे। सातवां, प्राथमिक चिकित्सा पेटी सामग्री, जो हम स्लाइड नंबर 15 पर देखेंगे। आठवां, आघात या चोटों के लिए पेटी सामग्री, जो हम स्लाइड नंबर 16 पर देखेंगे। नौवां, प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए जरूरी दवाइयां, जो हम स्लाइड नंबर 17 पर देखेंगे। दसवां, सामान्य सुरक्षा, जो हम स्लाइड नंबर 18 पर देखेंगे। ग्यारहवां, सामान्य सुरक्षा सावधानियां, जो हम स्लाइड नंबर 19 से 20 पर देखेंगे। बारहवां, सामान्य सुरक्षा के उपकरण, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर देखेंगे। तेरहवां, सामान्य सुरक्षा के अधिकार, जो हम स्लाइड नंबर 22 से 23 पर देखेंगे। चौदहवां, अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 7, 9 और 24 पर देखेंगे। देखते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी कुछ भी कर सकते हैं या जो भी उसे सहायता प्रदान करते हैं, हम उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं और उसे जल्द से जल्द आराम दिला सकते हैं या उसके बाद में अस्पताल ले जा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति का इंजरी हो गई है या कभी कोई गहरा घाव हो गया और उसमें से खून निकल रहा है, तो हमारा प्राथमिक उपचार क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी कि हम जल्द से जल्द उस खून को रोकें ताकि पेशेंट कोलैप्स होने से या घायल होने से या बेहोश होने से बच सके। तो हम क्या करेंगे, उसे पट्टी बांध देंगे और खून को रोकेंगे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। या किसी पेशेंट को सांप ने या जहरीले कीड़े ने काट लिया है तो हम क्या करेंगे, उसके जहरीले कीड़े या सांप का जहर पूरे शरीर में ना फैले, उसे के लिए हम क्या करेंगे, काटे हुए स्थान से थोड़ा सा ऊपर उसे टाइट पट्टी से बांध देंगे या टाइट रस्सी से बांध देंगे ताकि शरीर के अंदर उस जानवर का सारा जहर नहीं फैले। प्राथमिक चिकित्सा में आपातकालीन स्थिति, दम घुटना, पानी में डूबने के कारण भी जो मरीज है या व्यक्ति है उसका दम घुट सकता है। फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी भारी चीज का अटक जाना, हृदय गति का रुकना, हार्ट अटैक आना मतलब खून बहना, किसी नुकीली चीज से घायल हो जाने पर खून का बहना, ये भी एक आपातकालीन स्थिति होती है। शरीर में जहर का असर होना या जल जाना, शरीर में जहर का असर कैसे होगा, या तो किसी ने पॉइजन खा लिया या किसी जहरीले कीड़े या सांप ने काट लिया है तो हो मरीज के या पेशेंट के या व्यक्ति के अंदर जहर फैल सकता है तो उसे हम रोक सकते हैं। जल जाना या किसी आग के अंदर या घर में काम करते करते घरेलू कार्यों के अंदर या किचन या रसोई के अंदर काम करते हुए जल जाना या किसी ऐसी कंडीशन के अंदर जलना, जो जैसे फायर लगना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है तो उसमें भी हम उसे आपातकालीन स्थिति में जोड़ते हैं या आपातकालीन स्थिति में मानते हैं। हीट स्ट्रोक होना, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना, बेहोश होना, कोमा में जाना, मोच लगना, हड्डी टूटना या किसी जानवर के काटने पर, ये सारी कंडीशंस क्या होती है, आपातकालीन स्थिति होती है। अभ्यास प्रश्न एक, प्राथमिक चिकित्सा कौन कौन सी इमरजेंसी अवस्था में दी जा सकती है? पहला, दम घुटने, पानी में डूबने के कारण। ब, फांसी लगाने के कारण या सांस की नली में किसी भारी चीज का अटक जाना। स, हृदय गति का रुकना या हार्ट अटैक आना। द, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
प्राथमिक चिकित्सा के क्या क्या उद्देश्य हैं हम देखेंगे। घायल व्यक्ति की जान बचाना, ये एक प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य है। बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, गंभीर हालत में या गंभीर स्थिति से बाहर निकालना, तबियत के सुधार लाना या तबियत के सुधार में बढ़ावा देना, ये प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। अभ्यास प्रश्न दो, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या हैं? अ, घायल व्यक्ति की जान बचाना, ब, बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, स, तबियत के सुधार में बढ़ावा देना, द, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार, पहला जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचना है, दूसरा अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद नहीं करना है, तीसरा चोट का कारण जल्दी से पता लगाना है, चौथा चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे गिरने वाली मशीनरी, आग, बिजली का तार, जहरीले कीड़े या कोई अन्य वस्तु, पांचवा पता लगाएं कि क्या मरीज मर चुका है, जीवित है या बेहोश है, छठा गोद लिए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपायों को प्राथमिक निर्धारित करेंगे, उस क्रम में कार्डियक फंक्शन को ठीक रखना है, सांस लेने में मदद करना है, चोट लगने की जगह से खून को बहने से रोकना है, सातवां जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करनी है, आठवां रोगी का रिकॉर्ड और घटना विवरण रखना है, नौवां जहां तक संभव हो सके मरीज को गर्म और आरामदायक कंडीशन में रखेंगे या आरामदायक स्थिति में रखेंगे, दसवां विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधार करेंगे, ग्यारहवां यदि रोगी होश में है तो उसे आश्वस्त करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, सांस की जांच करेंगे, एबीसी के नियम की पालना करेंगे। किस तरीके से हम हमारे फर्स्ट एड का सिद्धांतों की पालना करेंगे, पहले सांस को चेक करेंगे, जो पेशेंट की सांसें चल रही है या नहीं चल रही है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये एबीसी का नियम होता है जिसे हम फॉलो करेंगे या पालना करेंगे। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्त स्राव को रोकेंगे, अगर व्यक्ति घायल है या सदमे लग गया है तो उसे समझाएंगे और सांत्वना देंगे, फिजियोलॉजिकली उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और साइकोलॉजिकली भी उसे सपोर्ट करेंगे, अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हड्डी टूट गई है तो सीधा करेंगे और दर्द को कम करेंगे, जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के अंदर क्या क्या आता है? श्वास नली की जांच, सांस की जुड़ी और रक्त संचार पेटी सामग्री। पहला मुंह के लिए मास्क, दूसरा चेहरे के लिए शील्ड, तीसरा रक्त दाब मापी स्पाइनोमीटर, चौथा स्टेथोस्कोप, पांचवा इमरजेंसी फोन नंबर। ये सारी चीजें एक फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं स्प्रिट या अल्कोहल, बैंडेड होनी चाहिए, रुई और रुई के स्वैब होनी चाहिए, आयोडीन लोशन होना चाहिए, बैंडेज और हाइड्रोजन परोक्साइड होनी चाहिए। आघात या चोटों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। चोट लगना, खून निकलना, हड्डी का टूटना या जल जाने का सामग्री फर्स्ट एड किट में होना बहुत आवश्यक होता है। इसमें बहुत सारे बैंडेज और ड्रेसिंग सामान का होना जरूरी होता है, जैसे चिपकाने वाली पट्टियां, एडेसिव बैंडेज, जैसे बैंडेड, स्टिकिंग प्लास्टर, मोलिस्किन, छाले के उपचार और रोकथाम के लिए ड्रेसिंग की सामग्री, जीवाणु रहित घाव पर सीधे लगने के लिए क्यों ड्रेसिंग होनी चाहिए, ड्रेसिंग किट क्यों होना चाहिए, ताकि हम जीवाणु रहित और घाव पर सीधे से लगा सके उसे, जीवाणु कीटाणु से रहित आंख के लिए पैड, स्टराइल आई पैड होना चाहिए, अजीवाणु गोज पैड होना चाहिए, स्टराइल गोज पीस होना चाहिए या पैड होना चाहिए, ना चिपकने वाला टेफ्लॉन लेयर वाला पैड होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए जरूरी दवाइयां, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयां होनी चाहिए? पहले दिल का दौरा पड़ने पर आराम के लिए दवाई जैसे एस्पिरिन, सोर्बिट्रेट, नाइट्रिक ग्लिसराइन इत्यादि, कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे निसोप्रोन, एलोवेरा जेल, कोलबेस्टॉल इत्यादि, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन जैसे डेटॉल, सेवलॉन और हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि होना
चाहिए। अस्थमा के रोगियों के लिए दवाइयाँ जैसे एस्थलिन इनहेलर, डाइफ्रिलिन और सल्बुटामोल इत्यादि। दस्त रोकने के लिए दवाइयाँ जैसे अफ्लोक्सेसिन, मेट्रोनिडाजोल, लेप्रामाइड, लैक्टिक एसिड, बेसिलस, ORS इत्यादि। छठा, उल्टी के लिए दवाइयाँ जैसे मेटोक्लोरो, क्लोप्रामाइड, ओंडेस्टेरोन इत्यादि। दर्द दूर करने के लिए दवाइयाँ जैसे डाइक्लोफिनेक, एसिनोफ्लैक और पैरासिटामोल होनी चाहिए। सामान्य सुरक्षा, स्थानांतरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, एक अपाहिज व्यक्ति स्वतंत्र न्यूनतम सहायता की आवश्यकता या पूरी तरह से निर्भर हो सकता है, व्यक्ति कुर्सी पर जाकर पुनर्वास अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है, एक स्थानांतरण त्वचा से दबाव में दबाव भी हटा सकता है और रक्त प्रवाहित कर सकता है, यदि व्यक्ति बार बार हिलता डुलता है तो उसके घावों और रक्त के थक्कों के लिए जोखिम कम होता है। सुरक्षित स्थानांतरण तकनीकी व्यक्ति और आपको चोट और गिरने से बचाने में मदद कर सकती है। मतलब सामान्य सुरक्षा मतलब पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए भी हमें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है ताकि वो इंजर्ड नहीं हो। सामान्य सुरक्षा सावधानियां, सही फॉर्म का प्रयोग करना है। जब आप किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करते हैं तो अपने पीठ के निचले हिस्से की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अगर PRA किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है तो वो खुद का भी ध्यान रखेगा। स्थानांतरण के दौरान अपनी पीठ को ना फैलाएं और ना ही अपनी कमर को मोड़ें। अपने शरीर को एक सीधी रेखा में रखें, एक सीधी पीठ और मुड़े हुए घुटने, आपका सिर और छाती ऊपर और सीधी होनी चाहिए। अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई के साथ थोड़ा जोड़े रखें। स्थानांतरण के दौरान व्यक्ति के सिर, धड़ और पैरों को एक सीध में रखें। व्यक्ति को हिलाने से पहले उसके करीब खड़े हो जाएं। दूसरा, व्यक्ति को किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं? अपने पैरों से उठाएं, अपनी पीठ से ना। पेशेंट को पैरों से उठाना है, कभी भी पीठ से नहीं उठाना है। एक चाल से पहले व्यक्ति की बाहों को उसकी छाती पर पार किया जाना चाहिए। यह आपकी रक्षा करने में मदद करेगा और व्यक्ति के हाथ को उसके नीचे फंसाने से रोकेगा। व्यक्ति को अपनी बाहों को अपनी गर्दन या पीठ के चारों ओर ना लपेटने दें। यह व्यक्ति आप पर बहुत अधिक भार भी डाल सकता है, इससे आपकी पीठ या गर्दन में भी चोट लग सकती है। व्यक्ति को बाहों से ना खींचें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, व्यक्ति के यथा संभव मदद करने के लिए कहें। यदि एक व्यक्ति बहुत हैवी वेट का है तो हम 2-3 जनों की मदद ले सकते हैं। यह आपको व्यक्ति के बहुत अधिक वजन वहन करने से रोकने में मदद करेगा। यदि वह सक्षम है तो व्यक्ति को बिस्तर के किनारे तक ले जाने के लिए कहें। मतलब अगर पेशेंट एबल है, खसक सकता है तो सक्षम है तो उसे हम बोलेंगे कि भाई तुम पलंग के किनारे तक खसकते खसकते आ जाओ। जरूरत पड़ने पर किसी को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए किसी से पूछ सकते हैं। आप और आपके सहायक व्यक्ति को खड़े होने या हिलने डुलने में मदद करने के प्रयासों को समन्वित करने के लिए जोर से 3 तक गिन सकते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को उठा रहे हैं तो 1-2-3 का काउंट करके फिर उसे उठाएंगे। मतलब 4 जने अगर उसे उठा रहे तो एक साथ उसे उठा सके। व्यक्ति को बिना किसी हलचल के सुचारू रूप से चलना, स्थिति में त्वरित परिवर्तन गिरने चोट या दर्द का कारण बन सकता है। यदि कोई हरकत बहुत तेज या जोरदार हो तो आप उस व्यक्ति की त्वचा को फाड़ भी सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन भी हो सकता है। अगर आप उस व्यक्ति को जोर से खींचेंगे या कुछ करेंगे तो उसकी स्किन में फ्रिक्शन हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। व्यक्ति को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने में आपकी सहायता के लिए सही डिवाइस का उपयोग करेंगे। सामान्य सुरक्षा के उपकरण में स्लाइड बोर्ड का यूज कर सकते हैं, स्लाइड शीट का यूज कर सकते हैं, होइस्ट और ट्रांसफर बेल्ट शामिल है। वॉकवे को सुरक्षित बनाने में मदद के लिए दीवारों पर ग्रैब बार लगाए जा सकते हैं। ये धातु की छड़ें होती हैं जिन्हें व्यक्ति गिरने से बचने के लिए पकड़ सकता है। बार भी व्यक्ति को अधिक आसानी से खड़े होने में भी मदद मिलती है और बैठने में भी मदद मिलती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऐसे उपकरणों का सुझाव दे सकता है जो व्यक्ति के लिए सही हो। सामान्य सुरक्षा के अधिकार,
दर्द या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की जांच करना स्थानांतरण दर्द के कारण बन सकता है या दर्द को बदतर बना सकता है। स्थानांतरण से पहले व्यक्ति को अपनी दर्द की दवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। जो मरीज है उसे हम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं और उसे ऑलरेडी दर्द हो रहा है या पेन है तो हम उसे बोलेंगे कि तुम पेन किलर ले लो। घावों को लालिमा या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की त्वचा की जांच कर सकते हैं अपन। स्थानांतरण के दौरान त्वचा फट सकती है, इस बचाने के लिए आपको त्वचा को एक पट्टी से ढकना भी पड़ सकता है। अतिरिक्त तकिए प्रदान करना, आराम और समर्थन के लिए तकिए का व्यक्ति के पीछे और उसके घुटनों के बीच रखा जा सकता है। जांचें कि स्थानांतरण के दौरान क्या क्या उपकरण होने चाहिए। व्यक्ति को हिलने से पहले व्हीलचेयर या वॉकर के पहिए लॉक कर देने चाहिए। सुनिश्चित करें कि जब व्यक्ति को वहां रखा जाता है तो कुर्सी या अन्य वस्तु हिलनी नहीं चाहिए। व्यक्ति पर या उसके आसपास सभी चिकित्सक उपकरण सुरक्षित होने चाहिए। आपको ट्यूब, दवा पंप या मॉनिटर के स्थानांतरित करने या सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करें कि जब आप व्यक्ति को ले जाते हैं तो कुछ भी ढीला या टूटे नहीं जाए। व्यक्ति से कोई उपकरण तब तक न हटाए जब तक कि व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको ऐसा करने के लिए न कहे। अभ्यास प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सामान्य सुरक्षा के अधिकार नहीं है। दर्द या अन्य समस्याओं के लिए व्यक्ति की जांच करना, अतिरिक्त तकिए प्रदान करना, जांचें की स्थानांतरण के दौरान उपकरण, द व्यक्ति की सुरक्षित। तो सही उत्तर है व्यक्ति की सुरक्षित। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।